हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। बेसिकली हम ये जानते हैं कि कार्बन टू हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू अदर एटम, बहुत सारे जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है तो उनमें बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी भी फंक्शन ग्रुप का जुड़ना या उसका हटना, बेसिकली इन इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये इफेक्ट जो होते हैं बेसिकली चार तरह के होते हैं, उनको हम थोड़ा ध्यान से देख लें। पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट हम लोगों को कवर करना है। सेकेंड इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हम लोगों को कवर करना है। तीसरा इफेक्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, इन स्मॉल स्केल रेजोनेंस। और जो फोर्थ इफेक्ट हम लोगों को कवर करना है दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चार इफेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। इन चार इफेक्ट्स को हम लोग अगर समझ लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज्यादातर केमिकल रिएक्शन हम लोग कवर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है जो किस वजह से होता है, जब कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ जाए जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलराइज हो जाता है। नाउ लुक एट इट, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझे। इंडक्टिव इफेक्ट, तो जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, CH3, CH2, CH2 एंड दिस वन इज Cl। नाउ लुक एट इट, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड है, और हम जानते हैं ये हेलोजन है, और हेलोजन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन। ये 14th ग्रुप में आता है जबकि 17th ग्रुप में आता है। तो ये 17th ग्रुप का जो एलिमेंट है जिसको मैंने क्लोरीन यहाँ पर लगाया हुआ है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। उसको हम लोग इस एरो के जैसा यूं करके दिखा सकते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉन्ड बेसिकली क्या हो, पोलराइज हो गया। ये इफेक्ट जो होता है परमानेंट इफेक्ट है, क्लोरीन ने इससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड जो ये बॉन्ड इसने इस कार्बन से बना रखा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये पार्शियली और पोलराइज हो गया ये वाला। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इफेक्ट जो है वो धीरे 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 नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग पोलराइज बॉन्ड अगर कहें तो वो क्लोरीन टू दिस कार्बन बॉन्ड है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो पोलराइजेशन का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। इसको हम एरो के थ्रू दिखाते हैं, और खास बात ये होती है कि परमानेंट इफेक्ट है, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। खास बात ये है गाइज कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह से हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं, नेगेटिव आई एंड पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई एंड पॉजिटिव आई। नाउ लुक एट इट, नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव कब होता है, जब कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। नाउ उसका भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जो हम ले सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे क्लोरीन मैंने यहाँ पर जोड़ा, उसका एक परफेक्ट ऑर्डर भी है, जैसे मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट है, किस बेस से वो नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। नाउ लुक एट इट, माइनस NO2, ये पहला एग्जांपल है जो कि नेगेटिव आई इंपैक्ट दिखाता है। अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ जब वो खींचेगा तो बेसिकली वो नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाएगा। सबसे ज्यादा NO2 ये इफेक्ट दिखाता है, उसके बाद हम कह सकते हैं साइनाइड, ये जो बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ये, उसके बाद हमारे पास COOH ये, उसके बाद फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये सारे नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। देन OH ग्रुप, देन OCH3 ग्रुप, एंड देन C6H5 ग्रुप, एट द एंड हाइड्रोजन। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनको ऑर्डर में मैंने सेट किया है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव आई इफेक्ट NO2 ये वाला मॉलिक्यूल दिखाता है, उसके बाद CN दिखाता है, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ईथर ग्रुप भी कह सकते हैं, एथॉक्सी, मेथॉक्सी, एंड एट द एंड ये फिनाइल ग्रुप, एंड देन हाइड्रोजन। ये ऐसे ग्रुप्स हैं
ये वाले ऊपर वाले जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जब जुड़ेंगे बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, और अपनी तरफ खींचने की इफेक्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट बोलते हैं, और ये उसका ऑर्डर हो गया। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब क्या है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते नहीं, वो आगे की तरफ पुश करते हैं, यानी कि इफेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा चैन के अंदर, CH3, CH2, CH2, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो क्या होगा उससे, वो इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर पुश करेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर पुशिंग होगी, उसके बाद थोड़ी सी कम यहाँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम यहाँ। इस तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि चैन के अंदर या कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, देते हैं। उसका भी हमारे पास एक ऑर्डर है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं, उसके बाद 2 डिग्री दिखाते हैं, उसके बाद 1 डिग्री दिखाते हैं, उसके बाद CH3 ग्रुप एंड देन एट दी एंड हाइड्रोजन। 3 डिग्री ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3, देन H। ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नाउ लुक एट इट, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ विल सी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज व्हाट, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा, उसको ध्यान से देखें। नाउ विल सी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली कब होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब कार्बन के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो और डबली बॉन्डेड हो। नाउ लुक एट इट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ दिस, जिसमें इस तरह का कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल पाया जाए, इस तरह का फंक्शन ग्रुप हमारे पास पाया जाए, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऐसा अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखने को मिलेगा। और सबसे खास बात क्या होती है गाइस, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको समझते हैं। लेट अस सपोज एक कार्बन है और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल इस पे अटैक करने वाला है। मान लीजिए इलेक्ट्रोफिल इस पे अटैक कर रहा है, लेट अस सपोज एच पॉजिटिव है, वो बाहर से इस पे अटैक करने वाला है। खास बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये तभी होता है जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल अटैक करने को जाता है। नाउ लुक एट इट, ये अगर ये अटैक करेगा तो बेसिकली ये वहां अटैक करेगा जहां पर उसको नेगेटिव चार्ज दिखाई भी तो देना चाहिए, तभी वहां जाके अटैच होगा। नाउ लुक एट इट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, ये डबल बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है तो बेसिकली इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है। अब होगा क्या, अब बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिल तैयार है अटैक करने को और यहाँ पर चार्जेस भी हैं, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव जाके नेगेटिव से जुड़ जाएगा और हमारे पास एंटी एंड क्या बन जाएगा, ये स्पीसी हमारे पास OH तैयार हो जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायन बन गया, पर बेसिकली हुआ क्या, ये एच पॉजिटिव यहाँ पर O के साथ अटैच हो गया। खास बात क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव ई एंड नेगेटिव ई। अब पॉजिटिव ई और नेगेटिव ई क्या है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ शिफ्ट होते हैं, अगर आपकी आने वाली स्पीसी वहीं अटैक कर दे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस तरफ शिफ्ट होते हैं, जिस एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आने वाली स्पीसी वहीं अटैक कर दे, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ई इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ई इफेक्ट। पॉजिटिव ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हम पॉजिटिव ई इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और H+ वहीं अटैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ई इफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ई इफेक्ट। और नेगेटिव ई इफेक्ट क्या होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट अस सपोज हमने फिर से ये कार्बन 2 ऑक्सीजन, और अब हम अटैक किसका क्या किसका करवा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोफिल का अटैक करवाया था, अब न्यूक्लियोफिल का अटैक करवा देते हैं। नाउ लुक एट इट, ये स्पीसी ऐसी है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर ये अटैक करना चाहता है इसके ऊपर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फाइनली होगा क्या, इस CN पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, बेसिकली कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफिल है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां उसको दिखेगा वहां अटैक करेगा। एट दी एंड में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और यहाँ पर सी एन ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब खास बात हो क्या रहा है, लुक एट इट, आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं ऑक्सीजन की तरफ और आने वाली स्पीसी कहाँ अटैक कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर रही है। आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस तरफ और आने वाली स्पीसी दूसरी तरफ अटैच हो रही है, तो बेसिकली इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ई इफेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा जब आपको ये पता लगे। सो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये एग्जांपल बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है, ये पार्ट वन और अभी मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, दो इफेक्ट में पार्ट टू में कंप्लीट करूंगा। अभी हाल फिलहाल इसको आप ध्यान से देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे लिख सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तो आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। अभी मैं दो इफेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आगे वाले दो इफेक्ट मैं अगली पार्ट टू वीडियो में कंप्लीट करूंगा, दैट इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।